साल 1966 में मेरा शाया फिल्म के इस गाने की वजह से पूरी दुनिया के लोग सादरा के झुमके और बरेली के दीवाने हो गए और सादरा के झुमके की तलाश में बरेली के बाजार में खाक छान रहे थे। कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि सादरा का झुमका बरेली शहर में आखिर गिरा कैसे, ये झुमका किसी और शहर में क्यों नहीं गिरा, आखिर उस झुमके का बरेली के बाजार से क्या नाता था। इस गाने के चुनिंदा शब्दों की वजह से बरेली और झुमका दोनों पूरी दुनिया में एक दूसरे की पहचान बन गई। लेकिन इस गाने के बाद सभी के जहन में एक ख्याल हमेशा हिलोरे मारता है कि गाने में बरेली का जिक्र क्यों किया गया है, जबकि बरेली कभी झुमके के लिए मशहूर ही नहीं था। बरेली तो सुरमा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है और फिल्म मेरा साया में भी बरेली का कोई जिक्र नहीं मिलता है। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि इस गाने के बाद बरेली का बाजार झुमकों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ। नमस्कार दोस्तों, प्रजापति ज्ञान नेटवर्क इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको साधना के गृह झुमके की उस सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसकी वजह से बरेली आज झुमकों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आपको सोचने पर विवश कर देंगी। तो दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, झुमका गिरा रे इसको लिखकर राजा मेहंदी अली खान ने लिखा था, जिसे आशा भोसले ने गाया था और इस कहानी की शुरुआत भी राजा मेहंदी खान साहब से ही होती है। दरअसल राजा मेहंदी और अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन और माता तेजी सूरी आपस में अच्छे मित्र थे और राजा मेहंदी साहब का कामकाज के सिलसिले में अक्सर बरेली में आना जाना लगा रहता था। दोस्तों, ये बात है विभाजन से पहले की, यानी भारत पाकिस्तान अलग नहीं थे, भारत अखंड भारत हुआ करता था। और उस दौर में एक प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई। ये कहानी थी लाहौर के सरदार खजान सिंह की बेटी तेजी सूरी और जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन की। इस खूबसूरत प्रेम कहानी को जन्म देने वाला शहर बरेली था। इस कहानी की शुरुआत अब से लगभग 80 साल पहले हुई थी और ये वही समय था जब हरिवंश राय बच्चन पूरे हिंदुस्तान में अपनी कलम से जादू बिखेर चुके थे और देश का हर व्यक्ति उन्हें जानने लगा था। कुछ समय पहले ही हरिवंश राय बच्चन अपने पिता और पत्नी को खो चुके थे और यही वो समय था जब उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। हरिवंश राय बच्चन के अकेलेपन ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। साल 1941 का वो आखिरी दिन था जब कवि हरिवंश राय बच्चन अपने दोस्त प्रोफेसर ज्योति प्रकाश के घर गए हुए थे। वहाँ उनके अलावा एक और महिला मेहमान भी वहाँ पहुंची हुई थी जिनका नाम था तेजी सूरी। दोस्तों, यह हरिवंश राय बच्चन और तेजी सूरी की पहली मुलाकात थी। जिस समय हरिवंश राय बच्चन तेजी सूरी से मिले थे उस समय तेजी सूरी की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन उनके मन में उस आदमी से बिल्कुल भी प्यार नहीं था जिससे उनकी सगाई हुई थी और यही वो समय था जब दोनों के दिल टूटे हुए थे। और ऐसे कठिन समय में तेजी की प्रोफेसर प्रेमा जौहरी और उनके पति प्रेम प्रकाश जौहरी ने दोनों को मिलाने का काम किया। ये नए साल की शुरुआत थी। उस दौर के नामचीन वकील रामजी शरण सक्सेना के घर पार्टी थी। इस मौके पर हरिवंश राय बच्चन और तेजी सूरी एक दूसरे के नजदीक आसपास बैठे हुए थे। पार्टी से चलते समय यानी रात को लौटते वक्त प्रेम प्रकाश जी ने हरिवंश राय बच्चन से कविता सुनाने को कहा। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की सुनाई गई कविता का सूरी के दिल पर गहरा प्रभाव पड़ा और कविता सुनकर सूरी की आंखों से आंसू झलक गए। यह देख कवि हरिवंश राय बच्चन भी अपने आंसुओं को रोक ना सके। इन दोनों को इस हालत में देख प्रेमा और प्रेम जौहरी दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद ये दोनों प्रेमी पंछी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। इस घटना के बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम का इजहार करते हैं। इसके बाद जौहरी दंपति दोनों के गले में फूल माला डालकर सगाई की घोषणा करते हैं और कुछ इस तरह इन दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ी। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन अपने घर और तेजी सूरी लाहौर लौट जाती हैं। जब ये दोनों अपने अपने शहर चले गए तो दोनों के दोस्त आए दिन उनकी शादी को लेकर चर्चाएं किया करते थे। दोस्तों, एक बार की बात है जब राजा मेहंदी साहब और तेजी सूरी एक कार्यक्रम के दौरान मिले तो राजा मेहंदी साहब ने तेजी सूरी से पूछा कि आखिर आप दोनों शादी कब करेंगे। तब इस सवाल का जवाब तेजी सूरी ने मुस्कुराते हुए बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिया। तेजी सूरी ने कहा कि मेरा झुमका तो बरेली के बाजार में गिर गया है। दोस्तों, सोचने का फर्क है। इस कथन के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, जैसे दिल हार जाना, सगाई कर लेना और जल्द शादी भी कर लेंगे। इस झुमके वाली बात ने राजा मेहंदी साहब के ऊपर गहरा प्रभाव डाला और कई सालों तक राजा मेहंदी साहब के दिल और दिमाग में झुमके का किस्सा छाया रहा। आखिर में वह समय आया जिसका मेहंदी साहब को अब तक इंतजार था। इसके बाद मेरा शाया फिल्म के गाना लिखने के लिए मेहंदी साहब को कहा गया और उसी समय उनको वह झुमके वाली बात याद आ गई। तेजी सूरी के कहे बोलों के ऊपर उन्होंने ये गाना लिख दिया जिसके बोल लोगों को आज भी बहुत रोमांचित करते हैं। और इस तरह तेजी सूरी के कहे बोल झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में बरेली को बहुत प्रसिद्धि दिलाई। दोस्तों, ये थी साधना के झुमके और बरेली की असली सच्चाई। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।